फैज़ल खान एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। 1974 में उत्तर प्रदेश के कायमगंज गांव में उनका जन्म हुआ और वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र पढ़े। उसके बाद वह कई साल भारत भर में घूमे और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिले। फिर वह नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट से जुड़े। 2011 में उन्होंने खुदाई खिदमतगार का हिंदुस्तान में पुनर्गठन किया। दिल जोड़ो नफरत छोड़ो के नारे को लेकर खुदाई खिदमतगार के 1 लाख से ज्यादा साथी आज भारत में काम कर रहे हैं। नमस्कार फैजल भाई, वेलकम टू अहिंसा कॉन्वर्सेशंस। तो ये बताइए कि बचपन में आपकी सबसे पहली क्या याददाश्त है, अहिंसा के अनुभव या असूल, दोनों में से किसी के भी बारे में? मुझे ऐसा लगता, मैं बचपन में जो हमारा घर था, हम लोग पठान फैमिली से हैं, तो वहाँ वो जमींदार और सब ये बातें, लेकिन मुझे बचपन में याद है कि मैं कहीं जाता था तो गांधी जी की तस्वीरें, मुझे एक ऐसा लगता था कि मोहब्बत की बात, इंसानियत। मैं उस वक्त ऐसे टिपिकल अहिंसा और ये सब तो नहीं जानता था, लेकिन इंसानियत की बात, सूफी संतों की बात, गांधी को जैसे ही जाना, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता था कि गांधी जी सबके लिए मोहब्बत करते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो वो मेरी अहिंसा की शुरुआत थी। यानी इंसानियत और मोहब्बत ही को मैं जब तक टेक्निकल शब्द नहीं समझा था, तो मुझे ऐसा लगता था इंसानियत मोहब्बत ये सब एक ही चीज है, तो उस तरह से मैं गांधी की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हुआ, फिर मुझे धीरे धीरे लगा, समझ में आया, तो ऐसे। आपकी पैदाइश कहाँ हुई और आप कहाँ पर आपकी परवरिश हुई? मैं कायमगंज, उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है कायमगंज, वहाँ मेरी पैदाइश हुई और वहीं पढ़ाई हुई। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11वीं 12वीं 10वीं के बाद वहाँ से आया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फर्स्ट फिर। किस विषय में? मैंने सोशियोलॉजी में। तो फिर बड़े होकर ये खान साहब, खान अब्दुल गफार खान और खुदाई खिदमतगार की जो विरासत है हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट के पास, उसका परिचय आपसे, आपका उसका परिचय कैसे हुआ? मैं उसकी पढ़ाई के बाद फिर मैं 3 साल तक पूरे देश में घूमता रहा। मैंने जो सेविंग्स की थी और जो मुझे फेलोशिप वगैरह स्कॉलरशिप वगैरह मिलती थी उसको मैं जमा करता था, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में तो जो घर से पैसा आता है। उसके बाद फिर मैं निकल गया पूरे देश में और मैं करीब 3 साल तक पूरे देश में घूमता रहा, अलग अलग सामाजिक। उस वक्त ये इंटरनेट, ये बात है 2000 से पहले, 95 96 में, 96 में मैंने छोड़ा और उसके बाद 97 98 2000 तक मैं घूमता रहा। तो उस वक्त ये भी नहीं था सब आपका, ये इंटरनेट या फेसबुक इतना कॉमन नहीं था या इतना किसी को आप गूगल में सर्च कर लो, तो पूरे देश भर में गया। उसके बाद फिर मैं NAPM में जुड़ गया, NAPM नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट, उसमें जुड़ गया और मैं काम करने लगा। उसी दौरान मुझे कहीं ना कहीं एक कमी महसूस रहती थी। उसी वक्त गांधी को पढ़ते पढ़ते, फिर उससे पहले ही से मैं खान साहब को तो जानता था, पढ़ रहा था, लेकिन खुदाई खिदमतगार को रिवाइव किया जा सकता है ये अचानक ख्याल मेरा बड़ौदा में, गुजरात में एक बार एक सांप्रदायिक घटना हुई थी और बड़ौदा के रेलवे स्टेशन में मैं बैठा हुआ था। ये कौन से साल की बात होगी? ये बात होगी 2009, मतलब 2011 में फॉर्मली हमने 20 जनवरी को इसको शुरू किया, लेकिन ये 2009-10 की बात है। कुछ कम्युनल टेंशन था और एक शिविर था खेड़ा जिले में, गुजरात के खेड़ा से फिर मुझे बड़ौदा आना था। बड़ौदा से मेरी ट्रेन थी उस दिन, अहमदाबाद में कुछ ट्रेन नहीं मिल रही थी, और वहाँ बैठे बैठे, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि कोई धार्मिक लोगों की तरह कोई मुझे ईश्वरी वो हो गया, लेकिन वहाँ मुझे लगा बैठे बैठे कि क्यों नहीं हम खुदाई खिदमतगार को रिवाइव करें। लेकिन उस वक्त तो मुझे बहुत अपने ऊपर भी ऐसा लगा कि ये क्या बात है। फिर वहाँ से जब मैं दिल्ली आया, तब मैंने इसकी 1.5 साल तक हम लोग चर्चा करते रहे कि क्या होगा, कैसे होगी, क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के समय में पख्तून ज़्यादा था, मतलब खान साहब को हम लोग सरहदी गांधी कह देते थे, जबकि वो तो इंटरनेशनल गांधी थे। तो ऐसा लगता था कि ये तो एक स्पेसिफिक मूवमेंट है, जैसे कोई ट्राइबल मूवमेंट है या कोई लोकल कहीं का मूवमेंट है,
तो वो तो एक रीजन के लिए है, हम इसको कैसे करेंगे। लेकिन फिर हमने उसकी ओथ में भी कुछ चीजें ऐसी थी कि मैं एक पख्तून हूँ, लेकिन पूरे देश में जब मैंने लोगों से बातचीत शुरू की तो कुछ लोगों ने तो बहुत हंसने लगे कि यार क्या बात कर रहे हो, अभी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, नए करो, ये कहाँ होगा, लोग मानेंगे नहीं, और नाम भी इसका खुदाई खिदमतगार है तो लोग उसको कंफ्यूज होंगे। तो मैंने अलीगढ़ में जहाँ जहाँ नौजवानों के साथ मीटिंग कर सकता था, ऐसे करीब 25-30 जगह छोटी छोटी मीटिंग, 5 लोग 6 लोग, और बड़े बड़े सब एक्टिविस्ट से बात करना। तो एक्टिविस्ट भी नहीं जानते थे कि जो खान अब्दुल गफ्फार साहब को जानते थे वो ये नहीं जानते थे कि उनका कोई ऐसा बहुत ऑर्गेनाइज खुदाई खिदमतगार आंदोलन था, तो बहुत कम जानकारी थी। उसके बाद तो बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो फिर हमने उसको मैंने एक बार तारा गांधी जी को बात की कि मैंने कहा कि हम आपके यहाँ ऐसे ऐसे, तो उनको भी कुछ समझ में नहीं आया, वो समझे हम लोग किसी को सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, और आप वहाँ पे प्रोग्राम कर लो। अक्सर वहाँ पे प्रोग्राम होते नहीं है, वो गांधी स्मृति में वो लोग प्रोग्राम बाहर के लोगों को नहीं करने देते, बहुत सिलेक्टिव लोग। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये खान साहब का प्रोग्राम है, और उनकी वो समझे कि हम लोग उनकी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, 20 जनवरी उनकी डेथ एनिवर्सरी है। बस फिर वहां से हम लोग ने 50 लोगों के साथ शुरुआत की, और वो बहुत एक सक्सेसफुल तरीका रहा। ये 2011 में, ये 2011 20 जनवरी जी जी। तो जब आपने ये इस नए रूप में खुदाई खिदमतगार का गठन किया, तो इसमें अहिंसा को आपने कैसे डिफाइन किया, मतलब अहिंसा की क्या परिभाषा ली आपने? क्योंकि मैं ये तो जानती हूँ कि आपके लिए अहिंसा जो है वो शारीरिक हिंसा ना हो खाली उतने तक नहीं है, तो थोड़ा और बताइए कि मुझे लगता है अहिंसा को आप कैसे समझते हैं? अब हम लोग तो वैसे तो हम सब जानते हैं, खास तौर से जो गांधी को लेके काम करते, लेकिन अहिंसा अपने आप में एक कॉम्बिनेशन है। अहिंसा अकेले नहीं है, आप खाली अहिंसक नहीं हो सकते। आप अगर अहिंसक हैं तो आप में करुणा भी होगी, अगर आप अहिंसक हैं तो आप में इंसानियत की के लिए दर्दमंदी भी होगी, क्योंकि इंसानों की दर्दमंदी ही एक तरीका है, अहिंसक तरीका। इंसानों के लिए बेचैनी भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई टेक्निकल किसी प्रोफेसर की तरह आप अहिंसा, एक सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कारकुन जब अहिंसा को बताएगा तो वो एक कॉम्बिनेशन है पूरा। आप इंसानियत के लिए हमदर्दी रखते हो, आपके अंदर इंसानियत का दर्द है, तो उस सब के लिए आप कुछ करना चाहते हो, तो वो मुझे लगता है जो करने का तरीका है वो अहिंसा। मेरी अहिंसा वो है जिसमें सब कुछ है। मैं ऐसा अहिंसक नहीं हूँ कि मैं सब कुछ देखता रहूं और मैं चुप हूं, मैं अहिंसा ही को, अहिंसा का मतलब है इंसानों के लिए बेचैन रहना, इंसानियत में इक्वेलिटी आ जाए, इंसान इंसान पे जुल्म करना बंद कर दे, इनके लिए जो काम करने का रास्ता, ये कहीं ना कहीं अहिंसा है। अहिंसा कोई बहुत टेक्निकल शब्द नहीं है, और उसको आप खाली ऐसे नहीं देख सकते कि खाली अहिंसा है। अहिंसा बहुत सी चीजों से आपस में जुड़ी हुई है। मैं ऐसे ही मानता हूँ। तो फिर जब आपने एक बार खुदाई खिदमतगार का पुनर्गठन किया, तो आपने तौर तरीके क्या अपनाए, मतलब इसका एक्शन कैसे बाकी अपने भीतर भी इंटरनली भी आपस में आपने क्या अपने ताकत बनाने का क्या साधन अपनाया, और समाज में कैसे व्यक्त होती है ये ऊर्जा खुदाई खिदमतगार की? हमारा हमेशा से ये रहा, हमने कहा कि देखिए पहले से ही जो और ऑर्गेनाइजेशन जैसे समाज में बाकी संगठन काम कर रहे हैं, हमें वो करना है, लेकिन एक खुदाई खिदमतगार की हैसियत से जैसे आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर आप मुझसे एक लाइन में कहें, बहुत से लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार इस वक्त की मेन समस्या है, कोई कहेगा कि नहीं सांप्रदायिकता इस वक्त की मेन समस्या, मुझे अगर पर्सनली मेरा विचार है, उससे बहुत से लोग असहमत भी हो सकते हैं, कि इस वक्त ऐसे दर्दमंद लोग, ऐसे दीवाने लोग समाज के लिए नहीं है, जो जैसे लोगों को समाज को बदलने के लिए जिन लोगों की जरूरत है, वो गांधी विनोबा का, गांधी का अगर सबसे बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन था तो ऐसे अफराद की लाइन लगा देना, जो लोग
इंसानियत के लिए अपने आप को कुर्बान करने तक को तैयार थे, उनके लिए उनकी जान भी कुछ नहीं थी। आज ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड दुनिया है उसमें तो मुझे लगता है कि इसने सबने इस पूरे कार्यकर्ता निर्माण के प्रोसेस को बिल्कुल खत्म कर दिया है। और ऐसे दीवाने लोग जिनके, जैसे किसी शायर ने कहा है ना, उन्हीं के गीत जमाने में गाए जाएंगे जो चोट खाएंगे और मुस्कुराए जाएंगे, तो ऐसे लोग, आप देखिए विनोबा जी का कोई जमीनी एक्शन भूदान से पहले नहीं है। उन्होंने लिखने पढ़ने का काम किया है कि कुरान सार लिखा है, बहुत सा लिखने का काम किया है, पढ़ने का काम किया है, लेकिन कोई ऐसा, हाँ पहले सत्याग्रही भी थे, लेकिन कोई ऐसा जमीनी एक्शन भूदान जैसा नहीं किया, लेकिन जब किया तो पूरी दुनिया ने देखा। कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, जमीनों का बंटवारा ठीक नहीं बाद में हुआ, लेकिन उन्होंने जब किया तो कोई ऐसा आंदोलन उस टक्कर का नहीं हो पाया। तो ये बहुत जरूरी था, हमें लगता था कि वो लोग, ऐसे लोग जो समाज को बदलने के लिए जिनके अंदर में जज्बा, ऐसे मैं पूछता हूँ लोगों से कि भाई आपको किसी की तकलीफ देख के आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तो अगर कोई कह नहीं आते हैं तो मैं कहता हूँ फिर आप अपना कुछ और करो, बिजनेस करो, लेकिन खिदमत दर्द समाज को बदलने का कोई जज्बा आप में है, कोई दर्द आप में है, या ऐसे ही आपने MSW कर लिया, आपको एक जॉब चाहिए, ठीक है वो भी अपना काम करते हैं। तो ये इस खोज को करने के लिए, बाकी तो समाज खुदाई खिदमतगार वो ही करता है, वो महिला एम्पावर सशक्तिकरण का काम करता है, वो शिक्षा का काम करता है, वो सांप्रदायिक सद्भावना का काम करता है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि ये काम उनके हाथों हो जो सच में इस काम के लिए एलिजिबल है। तो इस यात्रा में अगर आप कहेंगे तो मुझे कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक ऐसे सैकड़ों नौजवान मिले हैं और जो इस तरह से काम कर रहे हैं, जिनके नजदीक जो भूखे रह के भी उतनी खुशी से दौड़ते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। तो बस थोड़ा सा ये फर्क है, वो बहुत बारीक फर्क है कि आपको सच में इसमें मजा आता है कि नहीं, या आप किसी जरूरत के तहत ये कर रहे हो। देखिए आप, समाज अगर दौलत से और पैसे से बदलता तो अकबर का दीन इलाही धर्म के लोग आज होते। मैं पूरे हिंदुस्तान में पूछता हूँ कोई, भाई अकबर का दीन इलाही कब, लेकिन कबीर के हजारों लोग, और कबीर, मैं अक्सर कहता हूँ कि जितनों को हम लोग जिंदाबाद करते हैं, उनको सलाम करते हैं, वो सब BPL लोग हैं, गरीब है, उनको कोई उनके उनका वो नहीं है। तो ये बहुत जरूरी था कि वो लोग जिनको अंदर से जो तैयार हों, और इसमें खुदाई खिदमतगार की एक ओथ है हमारी, मैं अहिंसा, वो हम ओथ उसको बताते हैं और फिर वो अगर उससे एग्री होता है तो हम कहते हैं कि आप खुदाई खिदमतगार भाई आप बन गए, लेकिन अब आप कुछ दिन तक जरा अपने आप को ठीक करने का काम करो, बस ये थोड़ा सा फर्क है। बाकी वही सारे काम कर रहे हैं जो दूसरे सामाजिक संगठन करते हैं, कामों में तो बहुत फर्क नहीं है, लेकिन ये जो काम करने वाले लोग हैं इनको थोड़ा कैसा होना चाहिए, जैसे कबीर कहता है ना, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। तो अगर आपके आंसू भी नहीं निकलते समाज के लिए, अच्छा आंसू निकालने के लिए कोई फेलोशिप नहीं चाहिए, आंसू निकालने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, आंसू निकालने के लिए कोई कांग्रेस की सरकार हो या किसी और की सरकार हो, ये भी जरूरी नहीं है। ये तो एक दर्द मंदी है और यही लोग सच में एलिजिबल, ये है कि आप के जज्बे क्या है। तो वो जज्बा अगर होगा तो फिर आप जैसे गांधी जी नवाखाली में 3 लोगों को लेके कूद पड़ते हैं, खान अब्दुल गफ्फार पटना के दंगों में निकल पड़ते हैं, तो ये जो है कमी लगती थी वो अभी भी है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि खुदाई खिदमतगार ने वो सारी कमी दूर कर दी है, लेकिन उस रास्ते पे कम से कम हम चल तो दिए। अब देखिए वो तो आगे समय बताएगा कि क्या। बहुत खूब। तो अब ये पिछले 9-10 सालों में करीब कितने लोग होंगे जिनको आप समूह में, अगर आप नंबर्स में कहेंगे तो 1 लाख से ऊपर लोग होंगे। और हम अगर सिर्फ ओथ को कहेंगे, कौन कौन हमारी ओथ से एग्री करता है और हमसे कहता है हम आपके मेंबर हो गए, बहुत से लोग हैं जो फिर अपने कामों में फंस जाते हैं, अपने उनकी जरूरतें हैं, वो कोई फुल टाइम एक्टिविस्ट की तरह नहीं है। तो ऐसे 1 लाख से ऊपर लोग हैं जो पूरे देश में हमारे साथ जुड़े हैं। उसमें खान साहब का नाम का भी बहुत महत्व है, ये नहीं है कि हमारे काम की वजह से या हमारी वजह से, क्योंकि उनका नाम है, लोगों को कहीं ना कहीं जहन में तो था,
जब वो सुनते हैं और खुदाई खिदमतगार को देखते हैं कि उनके नाम से या उनके नाम को आगे रख के हम ये सब कर रहे हैं, तो वो और जल्दी जुड़ जाते हैं। तो ऐसे पूरे देश में 1 लाख से ऊपर लोग हैं जिनको आप हम कह सकते हैं कि वो हमारे सदस्य हैं। हम लोग जिला यूनिट बनाने को कहते हैं कि भाई पहले आप अपने लोकल इलाके में कुछ करिए, तो ग्राम यूनिट, जिला यूनिट, और फिर वो लोकल सारे ही काम वो कर रहे हैं, चाहे वो किसानों के साथ का काम हो, चाहे युवाओं को के नेतृत्व को लीडरशिप का, यूथ लीडरशिप का काम हो, विमेन का हो, पढ़ाई का हो, तो वो सारे काम करते हैं। तो इनकी तादाद मुझे लगता है 1 लाख से ऊपर हो गई है अब। ये थोड़ा अगर हम इतिहास में जाएं तो खान साहब ने ये नाम कैसे चुना, इसके पीछे क्या इतिहास है? खुदा जो है, ये खुदा तो अरबी का शब्द नहीं है, ये फारसी का लफ्ज है, खुद आ जो अपने आप हो, तो ईश्वर, ईश्वरीय सेवक। मतलब कुरान शरीफ में भी एक जगह बतलाया गया है, जब तुम खिदमत करो तो ये भी कहो, लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हम ये जो काम कर रहे हैं ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हम किसी से इसका बदला, जजा और शुक्रिया नहीं चाहते। लिवजहिल्लाह, तुम्हारी खिदमत खल्क अल्लाह के लिए हो। तो यहीं से उन्होंने ये चीज निकाली कि हम अगर देखिए जो अल्लाह के लिए करेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम फला काम करते थे और रुक गए, तो मैं उनसे पूछता हूँ तुम अपने बच्चे को रोज स्कूल छोड़ने जाते हो, तुम्हें प्रिंसिपल डांट दे तो बच्चे को छोड़ने जाओगे? कहते हैं हाँ जाएंगे। तो जो आदमी अपना काम समझता है उसको तो हर हाल में करता रहता है, और जो दूसरे का समझता है उसको छोड़ देता है। तो इसकी बहुत सी चीजें हैं। खुदाई खिदमतगार जब हम अपने को कहेंगे तो हमें कोई प्यार करेगा तब भी हम समाज का काम करेंगे, कोई हमें नफरत करेगा तब भी हम समाज का काम करेंगे, कोई हमें बेइज्जत करेगा तब भी हम समाज का काम करेंगे। खुदाई खिदमतगार अपने को समझने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम कंटिन्यूटी में रहेंगे। बहुत से आप लोग, अरे हम एक जमाने में बहुत करते थे, अरे आपको पता नहीं है, मुझे, मैं अक्सर पूरे देश में मुझसे लोग कहते हैं ना, मैंने तो बस मेरी बेइज्जती की, मैंने उस दिन से मीटिंग से जाना बंद कर दिया। तो अगर आप खुदाई खिदमतगार हैं तो आप किसी हाल में नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों से अपना बदला नहीं चाहेंगे, बल्कि आप, और अगर कोई ईश्वर को नहीं मानता है तो मुझसे कई लोग कहते हैं कि आप, हम तो ईश्वरी को नहीं मानते हैं। तो मैंने कहा फिर आप अपने को इंसानियत से जोड़ सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि खुदाई खिदमतगार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदाई को नहीं मानते हैं, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक जहन के लिए। लेकिन नाम का असर भी बहुत पड़ता है। तो खुदाई खिदमतगार का मतलब है कि जो हम ये सर्विस कर रहे हैं ह्यूमैनिटी की, इसका एक तो हम इसका कुछ बदला नहीं चाहते हैं, हम खुदा के लिए कर रहे हैं तो खुदा ही से हम इसका बदला लेंगे, और दूसरा खुदा की मखलूक की खिदमत ही खुदा की खिदमत। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तुलसीदास भी कहते हैं रामचरितमानस में कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे के काम आने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, पर पीड़ा जिसमें दूसरे का दर्द नहीं है वो अपने कोई दावा नहीं कर सकता है। ये जो धर्म का भी एक रूहानी मकसद था, और आप जानती हैं उस एरिया में जहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार उस वक्त काम कर रहे थे, वो तो उस वक्त तो एक रीजनली खुदाई खिदमतगार था। उन्होंने यहाँ पटना और कलकत्ता में लोगों से कहा था कि आप अब अपना भी खुदाई खिदमतगार शुरू करो, लेकिन उस वक्त जो वो जहाँ पे काम कर रहे थे जिस रीजन में, वहाँ थोड़ा धर्म का भी बहुत असर था, वो इलाका थोड़ा धार्मिक था। तो उस बात को लोगों को समझाने के लिए ये दो बुनियादी असल मकसद थे, एक तो ईश्वर को किसी सेवा की जरूरत नहीं है, उसकी मखलूक किसी, अल खल्क कुल्लु हुमायाल अल्लाह, हजरत मोहम्मद साहब ने कहा अल खल्क कुल्लु हुमायाल अल्लाह, मखलूक सारी की सारी अल्लाह का कुंबा है। रामचरित मानस में भी है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगबानी। तो जो लोग, मैं अक्सर लोगों से नारा लगवाता हूँ, जैसे लोग कहते हैं ना जिंदाबाद मुर्दाबाद, तो मैं कहता हूँ ये नारा लगाओ, हम रब के हैं, रब सब के हैं, इसलिए सब हमारे। तो क्या बात है, ये ईश्वर का को जो लोग सही रूप में मानते हैं उनको फिर ईश्वर की, आप गीता का तो पूरा सेंटर पॉइंट ये है कि सब आत्माएं आपस में जुड़ी हुई है।
तो धर्म का उन्होंने एक सही इस्तेमाल भी किया और उसका असर आज भी हम देखते हैं कि कैसे अब इस वक्त लोग मानने लगे हैं कि हाँ वो जो कह रहे थे धर्म की परिभाषा जो खान अब्दुल गफ्फार उन्होंने रामलीला मैदान में कहा था कि कोई धर्म दुनिया में नफरत फैला को बढ़ावा देता है तो मैं उसको धर्म नहीं मानता। धर्म तो ईश्वर ने इंसानों को प्यार करने के लिए भेजा है। बिल्कुल, ये उसका बैकग्राउंड। इसी कारण से आपके समूह में मैंने सुना है कि हर कौम और हर वर्ग और हर जात के लोग मौजूद हैं, तो इसके लिए आपको कुछ खास मेहनत करनी पड़ी कि अपने आप इतने वही डाइवर्सिटी वाले प्लूरेलिटी से लोग जुड़ते चले गए? हमने जो जो देखा था, हमें जो जो लगा था कि ये दिक्कतें हैं संगठनों में, हमने पहले ही दिन से सोचा कि हम इनको दूर करेंगे। तो मैं अक्सर अपने साथियों में ये कहता था कि देखो, अगर हम एक धर्म के लोग हैं तो ये सामाजिक संगठन नहीं है, ये मेरी अपनी परिभाषा बनाई हुई है, ये एक धार्मिक संगठन है। अगर एक कास्ट के लोग हैं तो ये एक जातीय संगठन है। सामाजिक संगठन कहलाने का हकदार कोई तंजीम उस वक्त होगी जब उसमें पूरे समाज की नुमाइंदगी होगी। तो मुझसे कोई कहता था कि भाई हमारी अंबाला यूनिट बननी है, मैंने कहा उसमें कौन कौन लोग हैं, तो कहने लगे कि उसमें फलाने हैं, ये हैं। मैंने कहा अरे अभी तो ये यूनिट बनने ही के लायक नहीं है, अभी आप मेहनत करते रहो जब समाज की नुमाइंदगी हो जाए। तो ये पहले दिन से हमें लगा कि अगर कोई तंजीम अपने को समाजी तंजीम होने का दावा करती है तो फिर उसमें ये नहीं हो कि फैसल खान, फलाने खान, फलाने खान, चार खान बैठे हुए हैं तो ये तो कोई खान परिवार हो गया, तो या कोई और बैठे हैं तो वो उनका हो गया। तो ये पहले दिन से हमने ध्यान रखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, जितने भी समाज के लोग हैं वो सामाजिक संगठन में कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनकी नुमाइंदगी बहुत जरूरी है। तो पहले दिन से इसका ध्यान रखा तो उसका फायदा ये हुआ कि हम लोग ने एक प्रिंसिपल ये बना लिया कि भाई हमारे खुदाई, और वो लोग जुड़ते भी गए, खान साहब की मोहब्बत भी धीरे धीरे लोगों में आई। फिर आजकल नौजवान गूगल में देख लेते हैं कि वो वहाँ पहली बार, आप देखिए देश में, हिंदुस्तान में पिछले 70 साल में पहली बार IIT खड़गपुर ने खान साहब पे सेमिनार किया। उनको कहीं पता चला, उनके डायरेक्टर कहीं गुजरात गए तो उनको पता चला कि खुदाई खिदमतगार कुछ लोगों ने रिवाइव किया है। कोई न्यूज व्यूज देख ली होगा कहीं आजकल, या किसी ने उनको गांधी आश्रम में बता दिया, तो उन्होंने फिर आके वहाँ उनके सोशल साइंस डिपार्टमेंट को कहा खड़गपुर में, फिर हम लोग यहाँ से गए तो पहली बार खान साहब पे IIT खड़गपुर में 2 साल पहले से, मतलब पूरे देश में कहीं ना कहीं एक हलचल उनके बारे में जानना युवाओं को, तो ये हुआ है। बहुत खूब। नौजवान महिलाएं भी बहुत जुड़ी हैं मैंने सुना है, खासकर छात्र स्टूडेंट्स। हाँ नहीं, वो सारे ही लोग जुड़ते हैं और उसमें महिलाएं भी हैं, यूथ भी हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, लेकिन थोड़ा सा हम लोग और थोड़ी इसकी कोशिश भी करते हैं कि जो धर्म का एक सही रूप है वो भी लोगों के सामने आए। तो थोड़ा कभी कभी लोग इमोशंस में आके भी, जैसे धार्मिक लोग, मतलब धार्मिक, सही धार्मिक लोग तो वही होंगे जो समाज की खिदमत करेंगे, तो नुमाइंदगी तो है, कुछ कम ज्यादा हो सकती है लेकिन है सभी वर्गों की नुमाइंदगी। तो एक बार आप खुदाई खिदमतगार की टीम कुंभ मेले में गई थी जी, मैंने सुना है वहां पर, एक तो आपने वहां जाने का कैसे फैसला लिया और वहां क्या कार्यक्रम रहा और क्या अनुभव था? हम लोग उससे पहले अजमेर उर्स में गए, हमें ये लगा कि जहां लोग होते हैं, आज आप किसी भी समाजी तंजीम से पूछें, मेन हम लोग कहते हैं ना कि मोबिलाइजेशन की दिक्कत है, यानी हमारे पास लोग नहीं है और लोग ही हमारा मौजू लोग रहे। मैं अक्सर पूछता हूँ अपने साथियों से, अच्छा बताओ पहले नदी खराब हुई या पहले नदी, हम कहते हैं ना नदी बचाओ, संविधान बचाओ, नौजवान बचाओ, फलाना बचाओ, कितने ऐसे करके आंदोलन है। तो मैं पूछता हूँ कि पहले क्या हुआ, पहले नदी अपने आप खराब हो गई या पहले इंसान ने उसको तो अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं पहले लोग बिगड़े। तो वो कहीं ना कहीं जो बात थी कि लोग कैसे ठीक हों, आपके पास नदी ठीक करने का तो तरीका है,
कि भाई वो कर लो, ये वहां पे आपको वाटर को क्लीन करना है, लेकिन लोग कैसे ठीक होंगे जिसको गांधी की जुबान में हृदय परिवर्तन का काम करते हैं, और जो इतिहास में भी हुआ है, लोग बदले हैं, लोगों ने अपनी जिंदगियों के धारे मोड़े हैं। तो उसको हम लोग ये सोचते थे कि हमें हर जगह जाना है, तो हम लोग ने सबसे पहले तय किया कि हम अजमेर उर्स में जाएंगे। तो अजमेर उर्स में गए तो हमें बहुत फायदा हुआ, हम एक पर्चे छपवा के ले गए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संदेश, एक छोटा सा पर्चा। उनका संदेश करुणा था, उनका संदेश मोहब्बत था, उनका संदेश लोगों के काम आना था। और ये पर्चा हम लोग वहां जाके, जो टेंट लगे हुए थे उर्स वालों के लिए, एक टेंट हमने भी उनसे मांग लिया, उन्होंने खुशी खुशी हमें दे दिया। हम 6-7 लोग थे और हम वो पर्चे, जो करीब 15,000 पर्चे थे, वो लेके अपने थैलों में, बैग में रख के चले जाते थे। तो जब हम वो पर्चा बांट रहे होते थे, वहां बहुत हजारों लोग आते हैं, लाखों, तो वो फ्री भी होते थे, तो वो बैठ जाते थे, तो हम उनको अपना सर्किल में बैठा के और उनसे बातचीत शुरू कर देते थे। तो वो बहुत हमें अच्छा लगा और बहुत लोग जुड़े, और वो लोग थे जिनको कुछ पता नहीं है, जो ऐसे नहीं है दिल्ली में गांधी पीस फाउंडेशन, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, वही वही लोग हैं जो 100-200 लोग हैं, ये बिल्कुल नए नए लोग थे, उनको ये सब पता नहीं। फिर उसके फौरन ही बाद कुंभ आने वाला था उस वक्त। पहले कुंभ में हम लोग इलाहाबाद गए थे, फिर हरिद्वार गए थे। तो फिर हरिद्वार कुंभ में जाने के लिए मैंने कुछ साथियों से कहा, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने तो बहुत इसको परेशान वो भी किया, अरे आप कैसे करते हैं, आप सेकुलर लोग हैं और ये है और वो है। मैंने कहा नहीं यार, हमें तो वहाँ लोगों के बीच जाना है, तो हम लोग वहाँ इसलिए गए थे कि जो सफाई का काम है वो हम करेंगे, यानी रास्ते में जो गंदगियाँ वगैरह होती वो दूर करेंगे, और पर्चे तो हमारे पास रहते हैं। कुंभ में भी हमने पर्चे छाप लिए थे रामराज को लेके, और छोटे छोटे पर्चे हमारे पास थे, कुछ किताबें थी गांधी से रिलेटेड, तो वो लेके हम लोग करीब 9-10 लोग वहाँ गए। तो वहाँ एक साधु महाराज थे, उन्होंने हमें ठहरने के लिए दिया, बहुत खुश हुए, बोले बहुत अच्छा, और उन्होंने वहाँ पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी, कुछ अखबारों को बुला के, इतने खुश हुए कि देखिए ये लोग नौजवान आए हैं। और उसके बाद फिर हम लोग सुबह वहाँ निकल जाते थे, अपने पर्चे बांटते थे, और सड़कों पे जो गंदगी पड़ी होती है उसको साफ करते थे, कुछ किसी का कोई सामान उठाना है, क्योंकि जो वो जहाँ पे कुंभ होता है स्पेशली गंगा के किनारे, तो वहाँ से बाहर से रिक्शा और ऑटो सब रोक दिए जाते हैं, तो कोई लोग ओल्ड एज हैं या वैसे हैं, उनको अपना सामान उठाना है, तो उस तरह का काम कर देते थे। तो ऐसा और लोगों से बातचीत भी करते थे, खुद ही लोग बुलाने लगते थे, हम लोग को देखते ही लोग, उसमें हर धर्म में हिंदू मुसलमान सभी लोग थे, तो फिर बुला बुला के हम लोग को कुछ शॉले उड़ाते थे, कहीं कुछ करते थे, तो ऐसे बहुत अच्छा हो रहा। और उसके बाद से तो जब भी कुंभ होता है हम लोग उसमें जाते हैं। बहुत खूब। तो इस सब का खर्चा आप कैसे फिर इकट्ठा करते हैं? हम लोग क्या खुदाई खिदमतगार में हमने ये तय किया था कि हम लोग जैसे बाकी धार्मिक संगठन लोगों से समय मांगते हैं वैसे ही इसको चलाएंगे, कोई पेड वॉलंटियर की बुनियाद पे नहीं चलाएंगे। तो हम लोग सब कुछ ना कुछ अपना काम करते हैं। जो डॉक्टर कुश अभी टेक्निकल कर रहे थे, वो MBBS MD डॉक्टर हैं और यहीं रहते हैं और अपना बचा हुआ समय देते हैं। ऐसे सारे खुदाई खिदमतगार अपना कुछ हैं जिनको अब फुल टाइमर बनाना पड़ा है, तो वो हम लोग ने काफी सालों बाद निर्णय लिया है। चाहे कृपाल सिंह मंडलोई है मध्य प्रदेश में, इनामुल हसन है पौंडीचेरी में, अमर जहां है बनारस में, गुरमुख सिंह है आपके हरियाणा में, धर्मवीर सिंह है पंजाब में। तो ऐसे कुछ लोगों को फिर हम लोग कहते हैं कि भाई अब आपकी जरूरत समाज को बहुत है, अब आप तो वो फिर उनका कुछ ना कुछ वो अपना इंतजाम करते हैं कोई लोकल, लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ 99% लोग हमारे यहाँ जो अपना काम करने वाले हैं वो होते हैं। हम उनसे कहते हैं कि आप हफ्ते में हमें एक दिन दीजिए, साल में 10 दिन दीजिए, और हर हफ्ते 4 घंटे दीजिए। तो ऐसे करके जो उनका समय हमें मिलता है उनसे हम मैनेज करते हैं। और उसके अलावा हमने यहाँ दिल्ली में एक सबका घर करके बनाया है, उसके 2 बुनियादें हैं, एक कैडर बिल्डिंग और एक आपका कम्युनल हार्मोनी, यानी आप इसमें रह के हमें एक दूसरे को समझना और सीखना है, तो उसमें लोग आते रहते हैं, तो उससे संगठन का काम हर जगह चलता है। जी, आपने कम्युनल हार्मोनी पे मतलब सांप्रदायिक एकता पे भी काफी काम किया है, और तो उसमें से जो आपके अनुभव हैं
आप उनके आधार पर नौजवानों को क्या एडवाइस देंगे, उनको क्या सलाह देंगे? क्योंकि आजकल कई मैं मिलती हूँ नौजवान जो सांप्रदायिक तनाव से बहुत परेशान हैं, वो उसके बारे में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि हम कैसे इस मार्ग पे आगे बढ़े, खासकर अगर वो अहिंसा को लेकर इस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको कुछ आप क्या सलाह देंगे? मैं अगर आप इसमें मैं 5 मिनट लेके अपनी बात कहना चाहूंगा इसमें, तो मुझे जरूर जरूर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें नौजवानों की दिक्कत नहीं है, हमारी दिक्कत है। कबीर साहब कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, यानी हम उनको बनाने वाले ही अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो लोग कैसे, अगर मैं आंखों का ऑपरेशन करने चला जाऊंगा तो मान लें कि वो आंख खराब होगी क्योंकि मैंने वो सीखा ही नहीं। तो सांप्रदायिक सद्भावना दूसरे कामों की तरह नहीं है, ये RTI नहीं है कि कोई भी इसको लगा देगा, ये मनरेगा का जॉब कार्ड बनवाने का काम नहीं है, ये बहुत दिल का काम है। तो इसको अहले दिल ही कर सकते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। मैं चाहूं कि मैं कोई बहुत सुरीली आवाज निकाल के लोगों का मैं नहीं कर सकता हूं। तो पहले तो जो लोग सांप्रदायिक सद्भाव, मैं उनको अभी नहीं कह रहा हूं जो नौजवान इसके लिए चिंतित हैं कुछ कर, जो लोग इसके काम करने का दावा कर रहे हैं, इनको पहले अपने आप को ऐसा करना, जैसे अभी 2 दिन पहले मुझे एक शेर दिखाओ एक शायरी में एक मिला, ऐसन अबुत तराश इश्क को हैरत में डाल दे, पत्थर की आंख से कोई आंसू निकाल दे। तो हमारा मेन काम होता है, लोग विनोबा भावे से पूछा कि आपका क्या काम है, आपका मुख्य काम क्या है, उन्होंने कहा करुणा पैदा करना। तो अगर हम धार्मिक काम का मतलब कम्युनल हारमोनी की रैली निकालना नहीं है, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद ये करना नहीं है, एक दूसरे को का दर्द एक दूसरे में पैदा कर दें, इससे अपने आप सांप्रदायिक सर, जैसे आप कभी कहीं कहीं किसी एरिया का पानी को रोक ले और वहां का पानी जमीन में जाने लगे तो पूरे एरिया में पानी बढ़ जाएगा, सब जगह नहीं बढ़ना पड़ेगा। तो सांप्रदायिक सद्भावना का काम मतलब हिंदू मुस्लिम डायलॉग नहीं है, ये तो टेक्निकल चीज है, ये तो कोई ऑर्गेनाइजेशन करेगा, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ बैठ के रोए गले मिलके, ये करने का काम जो नौखाली में गांधी जी कर रहे हैं, उन्होंने एक मंदिर में एक मंदिर का कलश मुसलमानों ने उतार के बेच दिया, तो गांधी ने बीबी अब्दुस्सलाम को कहा कि तुम यहाँ फास्ट करो और उस वक्त तक करो जब तक ये कलश वापस आए और मंदिर पे लगा न दे मुसलमान, तो उन्होंने ये किया। तो एक तो हम जैसे आप देखिए एक बीमारी होती है जिसमें आंख के आंसू सूख जाते हैं, उसको कहते हैं आई ड्राइनेस, ये एक बीमारी है आई ड्राइनेस, इसका इलाज क्या होता है, आर्टिफिशियल टीयर्स डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल आंसू डाल के आंख में से आंसू निकाले जाते हैं। तो ये काम हमारे पास करने वाले विनोबा जैसे लोग और आपके ये गांधी जैसे लोग और बाद में पंडित विशंभरनाथ पांडे जैसे लोग और आपके इस तरह के लोग अगर समाज में होंगे तो फिर मुझे लगता है, देखिए इंसान, मैं ये पूछता हूँ जब मुझे बहुत लोग नाउम्मीद करते हैं कि अभी देखिए बहुत, मैं कहना इंसान को बनाया किसने, चाइना ने तो नहीं बनाया है, जापान ने तो नहीं बनाया है, अलखल्कु कुल्लुहुम अयाल अल्लाह, ईश्वर ने ही इंसान को बनाया है। तो कहीं ना कहीं आप अगर उसको सही चोट मारें, दिल ही तो है न संग खुश, हजार बार रोएंगे हम कोई हमें रुलाए, तो अगर आप सही से नौजवानों के बीच अपना मैसेज रखेंगे तो मोहब्बत की बात तो असर करेगी, पानी से प्यास बुझेगी, ये हजारों साल से ऐसा होता आ रहा है, लेकिन आप पानी की जगह कुछ और पिलाएं और कहें लोगों की प्यास नहीं बुझ रही है तो वो पानी नहीं है। आप करुणा की मोहब्बत की इंसानियत की बात करिए, और मैं तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है, आप देखने में भी मैं मुसलमान लगता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मुझे कुछ और समझ के मेरी बात सुन लेते हैं, लेकिन कहीं कोई विरोध नहीं करते हैं। एक तो आपके अंदर उनका दर्द हो, आप सच्चाई में उनसे प्यार करते हो, और दूसरा फिर आप अपनी बात कहने का अगर आप ढंग देखें और उसमें करुणा हो, उसमें मोहब्बत हो, उसमें दर्द हो, तो
तो मुझे लगता है नौजवान सुनेंगे। और आज के नौजवान आप सोशल मीडिया पे देखिए, एक तरफ तो नफरत भी फैल रही है, लेकिन ऐसे ऐसे नौजवान भी हैं जब वो ऐसा लिखते हैं कि आप आपकी आंखों में आंसू भर आएंगे और आपको लगेगा। मैं ऐसे सैकड़ों हिंदू नौजवान, सैकड़ों मुसलमान नौजवानों को जानता हूं जो आज भी इस देश में अमन और मोहब्बत के लिए अपनी जान की, हो सकता है वो किसी दफ्तर में बैठे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हो सकता है वो किसी MNC कंपनी में बेंगलोर में हो, हो सकता है वो किसी डॉक्टर हो, कहीं इंजीनियर हो, लेकिन उनके जज्बे मोहब्बत को मैं जानता हूँ कि वो अपनी जान देने को भी तैयार है हिंदू मुस्लिम या इंसानों इंसानियत के बढ़ावा देने के। तो नौजवानों से मैं बिल्कुल ना उम्मीद नहीं हूँ, या ना ये कि वो हमारी तरफ सुन नहीं रहे, हमारी तरफ देख नहीं रहे, बल्कि हम अपना मैसेज उन तक सही अंदाज में नहीं पहुंचा रहे। अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था लॉकडाउन से पहले, जबकि मुझे बहुत अच्छे से बोलना नहीं आता है उससे, लेकिन वो सुनते हैं बात को, तो खूब सुनते हैं और लगातार काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, बस ये है कि हम उनको समझाते कैसे हैं, उनको हम उनके दिलों को अगर हम टच कर देंगे बात तो तभी बनेगी। और अगर हम खाली कोई डिस्कशन करेंगे, कोई ऐसी करेंगे, तो ठीक है, वो भी उसका भी अपना फायदा है, वो भी करना चाहिए, लेकिन जब तक उसके दिल में असर नहीं होगा तो। और धर्म का सही आप बताइए, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हसो जानन, केवल दूसरी कोई चीज श्री राम को प्यारी नहीं। तो मोहब्बत का मकसद भी हम बताएंगे। इस्लाम ने भी यही कहा, खैरुन्नास मैं यन्फउन्नास, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है, मैयन फाउन नास, जिससे इंसानों को फायदा। प्रॉफिट मोहम्मद ने ये नहीं कहा कि जो टोपी लगाए वो सबसे बढ़िया है, जो नमाज पढ़े वो सबसे बढ़िया है। आपने कहा खैरुन नास, सबसे बढ़िया इंसान वो है, मैयन फाउन नास, जिससे इंसानों को सबसे ज्यादा फायदा। तो अगर आप धर्म का भी सही मानी बताओगे तो मुझे लगता है कि लोग, और हम ऐसा देखते हैं, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे गुजरात में हो, हम तो अकेले पहुंचते हैं दो चार लोगों को लेके। बक्सा में जब ये बोडो मुसलमान राइट हुआ तो हमें, और हम रात में, डॉक्टर संदीप पांडे का वहाँ एक आश्रम है, उनके साथ काम करती हैं, आशा आश्रम, वहाँ हम रुके और सुबह हम जल्दी निकले, हमें बक्सा से धुबरी जाना था। जैसे ही हम निकले तो 9-10 नौजवानों ने हमें घेर लिया, उसमें मैं, मेरे साथ एक रिटायर्ड फौजी हैं जो पहले निर्मला देश पांडे जी के साथ काम करते थे, अभी खुदाई खिदमतगार में हैं, बलवंत यादव जी, इनामुल हसन और एक अफजल, हम चार लोग थे। अब जब हमने सोचा कि वहां सुबह में कोई नहीं है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो मैंने देखा कि वो खूब हिंदी समझ रहे हैं, तो मैंने रामचरित मानस के दोहे उनको सुनाना शुरू कर दिया। 5 मिनट के अंदर उनके अंदर दो ग्रुप बन गए, और एक ग्रुप ने हमसे कहा कि अच्छा इनको जाने दो, और वो जल्दी से हमें ऑटो में बैठा के और हमें बस अड्डे की तरफ छोड़ दिया। तो उस दिन तो हमें 100% ये था कि उसके 2 दिन बाद ईद थी, वहां ईद होने वाली थी, और ये जो दो नौजवान थे ये बिल्कुल नए थे, दूसरी या पहली बार मेरे साथ गए थे, तो इनको भी लगा कि अब हमारा अंत बिल्कुल सामने है, क्योंकि 8 नौजवान जब आपको घेर लें चारों तरफ से, और सुबह 7 बजे का टाइम है, रास्ता बिल्कुल सुनसान है, कोई पुलिस नहीं, तो फिर हमने कहा कि ठीक है अब हम अपना, तो ऐसा नहीं है, लेकिन अब हम ये कहानियां सुनाते नहीं है, लोगों को बताते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जहां हम जाते हैं तो सब लोगों का। अभी मैंने एक साइकिल यात्रा की दिल्ली से कलकत्ता, ये लिंचिंग हिंसा मुक्त भारत साइकिल, अब बताइए साइकिल की सवारी में आप, ऐसा नहीं है कि कोई आपको बचाने, हम 10 लोग थे और करीब 3,000 किलोमीटर साइकिल थी दिल्ली से कलकत्ता में, जो घर है जिसमें गांधी जी बैठे थे नोआखाली जाने से पहले, उस घर तक हमारी वो यात्रा थी। तो हमने सड़कों पे ही रहे, करीब 1 महीना हम सड़कों पे रहे, मंदिरों में रुकते थे, और पूरी यात्रा में आप अहिंसा की बात कर रहे थे। हमारा उस यात्रा का टॉपिक ही था हिंसा मुक्त भारत साइकिल यात्रा, नफरत व हिंसा मुक्त भारत साइकिल यात्रा। राजघाट से शुरू हुई थी और हैदरी बिल्डिंग वो बिल्डिंग है जिसमें गांधी जी ने अहिंसा हिंसा का मुकाबला अहिंसा से किया। वो लोग पथराव कर करके उस बिल्डिंग के शीशे तोड़ देते थे और गांधी जी उन टूटे हुए शीशों में से पकड़ के कहते थे, अरे तुम मुझे मार के क्या समझते हो,
तुम अपनी अपनी जीत कर लोगे। तो आप सोचिए, ऐसा नहीं है कि गांधी जी कोई सेमिनार में कलकत्ता बोलने गए थे, कलकत्ता एयरपोर्ट पे गए, वहां से टैक्सी ने पिक किया और गांधी जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सभागार में बोल के वापिस आ गए। गांधी जी जिस घर में है और वो वहां के लोग पथराव कर रहे हैं, गांधी जी ने तय किया था कि मैं मुसलमान के घर में बैठूंगा। हैदरी बिल्डिंग आज वो स्मारक बन गई, जिसमें नेक लोग रहते हैं वो जगहें स्मारक बन जाती है। वो घर, कितने घर होंगी, हवेलियां जो कलकत्ता में वीरान हो गई, लेकिन आज हैदरी बिल्डिंग को लोग जाके नमन करते हैं, सलाम करते हैं, उस पर फूल चढ़ाते हैं। इसलिए कि वहां अहिंसा को जो है प्रैक्टिकली अहिंसा को किया गया। तो उस घर में से लोग पथराव करते थे, उस घर में आग लगाने आ जाते थे और गांधी जी वहीं खिड़की में खड़े होके, गांधी जी को लोग कहते थे कि आप क्या कर रहे हैं, गांधी जी कहते थे कुछ नहीं, ये मुझे लगता है कि इनको बीच बात करनी। और फिर वो बदले, जब वहां शांति हो गई, फिर वहां से गांधी जी ने अपना अगला पड़ाव नोआखाली के लिए किया था, आज वो स्मारक बन गया। तो हमारी ये साइकिल यात्रा उस घर तक थी। तो और मैं मंदिरों में रहता था, मैं पूछता था मंदिरों में, मैं कहता था असली रामराज चाहिए या नकली, तो वो कहते थे असली रामराज क्या है, मैं कहता था असली रामराज तुलसीदास ने बताया, बैर काहू संग न कोई, राम प्रताप विषमता खोई। असली रामराज में नफरत नहीं होगी और गैर बराबरी नहीं होगी। तो लोग हाथ उठाते थे हमें असली रामराज चाहिए, और हम मंदिरों में रुकते थे। करीब 12 जगह ऐसी थी जहां हमारा पड़ाव ही मंदिर में था, और हम उनको पूछ लेते थे पहले कि देखिए आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं एक फतेहपुर जिले में एक मंदिर में ठहर रहा था, तो सुबह मैं नमाज पढ़ रहा था, बाकी साथी सो रहे थे बहुत जल्दी, तो मैंने देखा कोई पीछे से आके मेरे नमाज के पीछे बैठ गया, तो मुझे थोड़ा डर भी लगा। लोग बताते थे माहौल खराब है, हिंसा हो रही है, लिंचिंग हो रही है, तो मैं नमाज में पढ़ रहा था, वो पीछे कोई आके मेरे ठक से बैठ गया। तो मैंने जल्दी से अपनी नमाज देखा, तो पुजारी उस मंदिर के जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, मेरे लिए चाय लेके बैठे। बोले मैंने सुबह सुबह अपनी पत्नी को नहीं उठाया, और मुझे आपने रात में ही कह दिया था कि हम तो सुबह ही निकल जाते हैं, सुबह हमारी यात्रा शुरू होती है, नाश्ता नहीं करते हैं, आगे जाके करते हैं। तो मैंने सोचा कि आप, उनका नाम कुछ कौशिक था, पहला नाम तो मैं नहीं ले रहा, कौशिक। तो उन्होंने कहा कि मैंने आप सुबह ही जल्दी से चाय बना ली आपके लिए, और आज मैंने अपना योगा का क्लास भी नहीं छोड़ दिया, मैं सुबह सुबह योगा का क्लास लेता हूँ मंदिर खोलने से पहले, वो भी छोड़ दिया। तो अब ये वही हो रहा था जहाँ लोग कह रहे थे लिंचिंग है, अभी आप मत निकलिए, बहुत माहौल खराब है। तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब माहौल अच्छा है, लेकिन आप क्यों उसमें, आपको क्यों सफलता नहीं मिल रही है, ये तो हम सबको अपना इसमें जायजा भी कभी लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।